नेता और माफिया का जो गठजोड़ है ना पदाधिकारी का, बस दारू 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 जायज 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 जायज। इसके अलावा बिहार में कुछ होता है क्या? ये विधायक और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में कोई अंतर है क्या? दरोगा जी को डीएसपी साहब को दारू से जमीन के पैसा वसूलने से फुर्सत नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा कहाँ से होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ अयाज। इस वक्त जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव गोपालगंज पहुंचे हुए थे। गोपालगंज में एक मुखिया की गोली मारकर कल हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों से वो मिलने यहाँ उनके घर पहुँचे हुए हैं। आइए बताते हैं कि क्या कुछ पप्पू यादव ने यहाँ पर पहुँचने के बाद बातचीत किया है। प्रणाम भाई मेरे, आप अच्छे हैं। मैं अपने भाई को दो कष्ट देना चाह रहा हूँ। एक मुखिया जी की हत्या हुई है गोपालगंज के थावे। जी 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 भाई, मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे कम से कम इसको टेक्निकल ग्राउंड पे इसको देखने, शूटर कोई और है मरवाया कोई और है, तो दोनों का कम से कम कैसे परिस्थिति जन क्या है इसको तो मतलब निकालना बहुत जरूरी है। जी बहुत अच्छा भाई मेरे। ये दूसरा चीज़ कह रहे थे छपड़ा वाले में जो लोग अर्दर बकते हैं जबरदस्ती, हम तो पहले दिन जो घटना घटी थी तो उसी दिन जा करके हम जो लड़का एडमिट था तो उसको हम 50,000 रुपया मदद किए थे, और उसके बाद हमने वहाँ के मालिक को कह दिया था कि बाबू किसी भी कीमत पर पैसा नहीं लगे, जो लगेगा हमसे तुम बोलना। और उसके बाद हमने उसी दिन भी कह दिया था एसपी साहब आपने तो एकदम जो एक्शन लिया है वो तो कोई नहीं ले सकता इतना पूरा का पूरा वो घटना जो, लेकिन बाद में जो ये करनी सेना 200-300 मोटरसाइकिल के आके दो महिलाएं हार्ट अटैक हो गया जल गया, वो उसको नहीं देखिएगा तो उन्हों का तो मनोबल फिर बढ़ेगा। इधर तो हो गया साला की आज गिरफ्तारी हुई है और घर तर तो ढाई दिया गया, तो उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन एक होता क्या है कि लोग अब ये लोग जिस तरीके से अब वो कौन ब्राह्मण भूमिहार नेता जी वो जो सोशल मीडिया वाला है ना, एक तो जादव सेना है कोई जादवी सेना कौन है वो संतोष रेणु क्या, उसको भी FIR लॉन्च करना चाहिए। नहीं नहीं भाई मेरे, उस पर भी FIR लॉन्च करके उस पर लेना चाहिए, वो गाली गलौज माँ बहन करता है ये सही नहीं है, एकदम बहुत बुरे तरीके से करता है। एक दो ठो और लड़का है इधर से भी 10 लड़का है जो गाली गलौज करता है, एकदम जरूरी है भाई मेरे। हम तो हमको बता दीजिएगा कि हम जाके दोनों परिवार को हम सोचते हैं कि 1,00,000 रुपया मदद कर दें जाके, तो किस दिन जाएंगे तो आप हमको कह दीजिएगा, मेरा प्रश्न जी। ठीक है तो 12 के बाद हम चले जाएंगे, तो आप वही हम सोचे भाई से बात कर लें। ये मामले में मुखिया जी के मामले में जो दो चीज़ आपके नॉलेज में आ ही गया है जी जी। ठीक है तो 12 को हम एक बार भाई से बात कर लेंगे, तब हम 13 को जाएंगे वहाँ। ठीक है भाई, ठीक, प्रणाम। हम आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि चलिए भाई कम से कम क्रिमिनल नेता और माफिया का जो गठजोड़ है ना पदाधिकारी का, उस पर थोड़ा प्रेशर पड़े। हमको समझ में नहीं है क्या? सब मस्त है, बस दारू 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 जायद 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 छः जात सात जात पांच जात के गठबंधन, 6 जात का गठबंधन, 7 जात का गठबंधन, 8 जात का गठबंधन, 6 जात हो गया, 7 उधर गया, 6 इधर आया, 8 उधर गया, 9 उधर आया। इसके अलावा बिहार में कुछ होता है क्या? होगा क्या? आपको लग रहा है, आपको लग रहा है इसके अलावा भी कुछ होगा? ये विधायक और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में कोई अंतर है क्या? जनप्रतिनिधि और आम आदमी क्या आलम, जनप्रतिनिधि अलाउद्दीन के चिराग हैं और आम आदमी क्या ऊपर से कसा है क्या? आम ही आदमी ना है, मर तो सब रहे हैं, मर तो डेली रहा है, ऊपर से झाड़ू दीजिएगा कि नीचे से झाड़ू दीजिएगा? मौत तो मौत ही है ना भाई, चाहे किसी इंसान की हो किसी के बच्चे की हो।
इसमें एमएलए एमपी का क्या, जनप्रतिनिधि का क्या मतलब? आम आदमी की सुरक्षा से ज्यादा वैल्यू एमएलए एमपी मुखिया जी का है क्या? मुखिया जी आम आदमी से है ना भाई, एमएलए एमपी आम आदमी से ना है, या आम आदमी सुरक्षित नहीं है? जो घटना घटित हुई ये मुखिया जी सोच के तो घटना घटित नहीं हुई, या एमएलए सोच के? मारना है, डर नहीं है ना कोर्ट का डर, 3 महीना में वो निकल जाएगा, पैसा देगा, जो पैसा फिनांस किया होगा निकाल लेगा, चार्जशीट पहुंचेगा नहीं, दरोगा जी को डीएसपी साहब को दारू से जमीन के पैसा वसूलने से फुर्सत नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा कहां से होगी, कहां से चार्जशीट होगा? टारगेट है उसको 20 लाख रुपया मंथली का, धारा जोड़िए तो पैसा लीजिए, धारा निकालिए तो पैसा लीजिए, चार्जशीट के लिए पैसा दीजिए, चार्जशीट नहीं भेजना है पैसा दीजिए, दोनों तरफ से पैसा लेंगे, धारा जोड़ दीजिए 20,000, धारा निकाल दीजिए 15,000, मतलब एक धारा जोड़िए तो 20,000, दूसरा धारा जोड़िए तो 40,000, निकालिए तो 15,000, चार्जशीट भेज दीजिए तो 40,000, नहीं भेजिए, आप 6 आदमी का नाम दीजिए, 3 आदमी को आपको चार्जशीट से निकाल देगा, 3 आदमी आप रहिए या 2 आदमी रहिए, दोनों आदमी का 3 महीने के बाद बेल हो जाएगा, जब तक जेल में जाएंगे वहाँ बाप और दादा से भेंट होगा, वो बड़का क्रिमिनल बन जाएगा, फिर वहीं से ठोकवाएगा, कहेगा गवाही दोगे, फिर मार देगा। लीजिए कि अपना टाइम पास करते हैं, उसको ना तो इंसानियत से मतलब है, ना तो किसी भी दल के नेता को, बस वो फर्म औपचारिकता निभाने आएंगे, मट्टी पड़ गई बात खत्म, अब उसके बच्चे झेले, मर गया आग लग गई बात खत्म, उसके बच्चे आप इंजॉय करेंगे, हम क्या करेंगे? अल्लाह को यही मंजूर था, हो गया बस बात खत्म है, हाथ निपट गया, अल्लाह को मंजूर था, मारा जिसने मारा वो भी अल्लाह को ही मंजूर था, जिसने गोली चलाई वो भी अल्लाह को ही मंजूर था, मैंने उसको भी तब छोड़ दिया जाए, अल्लाह के मंजूर था तो भाई अल्लाह ने करा दिया, ईश्वर ने करा दिया, यह सोसाइटी है, सोसाइटी से बड़ा कमजोर, मैं तो आम आदमी समाज से बड़ा कमजोर मैंने दुनिया में हम आज तक किसी को जानते ही नहीं, अपने अपने जात के क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करता है समाज, ये कहता है मेरे जात का, मेरे कौम का, मेरे बाप का क्रिमिनल है, दादा है, आका है, इसको छोड़ दीजिए, कब तक, कब तक, कब तक कॉमन आदमी की हत्या होगी? हमको तो समझ में नहीं आता, हमको लगता है कि गोपालगंज छपरा सिवान में 3-4 जात को रहने का राइट है, उसके बाद सबको भगा देने का राइट है, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत ज्यादा, बस ये 4 जात, 1-8 कोरी उड़ी को ले लीजिए तो अब ले लीजिए नया, और सबको भगा दीजिए इस 4 उपचार 3-4 जिला से, अब किसी सोसाइटी को जाने के यहाँ राइट नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि पप्पू यादव यहाँ उनके परिजनों से मिले हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में आपराधिक घटने अब बढ़ने लगे हैं, मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर हैं लेकिन उन्हें इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग बिहार में मारे जा रहे हैं, ऐसे में वो यहाँ से मिलकर जल्द उन अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग किया और कहा कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और तुरंत उन अपराधियों को गिरफ्तार कर उनको फांसी की सजा सुनानी चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव स्टेटस, मैं हूँ गोपालगंज से आयाज अहमद।